फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वाटर पम्प के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस वाटर पम्प को घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक वाटर प्रूफ वाटर पम्प है जिसे आप पानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं और ये कभी ख़राब भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये वाटर पम्प 3.7 वोल्ट से 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई पर वर्क करती है। इसे आप बैटरी या चार्जर से आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी साइड में एमसी लगा देता हूँ ताकि पानी इसके अंदर न जाए। तो चलिए, एमसी लगा के मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी साइड में एमसी लगा दिया, देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसके बाद मैं आप इसकी फिनिशिंग भी कर सकते हैं, इसके बाद ये थोड़ा अच्छा सा दिखेगी यहाँ पर। तो चलिए, मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए देखते हैं, फिर मैं आपको उसे बना के दिखाऊँगा किस तरीके से इसे बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है। चलिए, इसके मैं दोनों वायर लगा के आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी जो वाटर पम्प है यहाँ पे वर्क कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाटर पम्प को मैंने किस तरीके से बनाया है। तो इस वाटर पम्प को फ्रेंड्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके के एक डीसी मोटर यूज की है। ये मोटर 3.7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई पर आसानी से चल सकती है। और यहाँ पर इसकी बॉडी बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का जो प्लास्टिक का पीवीसी पाइप होता है 1 इंच का, उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो इसी की मैंने यहाँ पर बॉडी बनाई है, कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पर एक पीस काट लिया है और उसके बाद मैंने एक टुकड़ा लगाया, देख पा रहा हूँ यहाँ पर 3 टुकड़े मैंने यूज किए हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक 10 mm का पीस काट के उसके आगे वाली जो बॉडी बनाई, जहाँ से पानी ऊपर की तरफ पंप कर सके ये हमारी मोटर। और यहाँ पर जो पेन के कैप होते हैं आप देख पा रहे हो यहाँ पर, उन्हें मैंने आगे की साइड में लगाया है। फ्रेंड्स, पीवीसी पाइप से ही मैंने यहाँ पर इसका पंखा बनाया है। अगर फ्रेंड्स आप इसे अच्छे तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी वाटर पम्प बनाई हैं, आप उनमें से इन्हें बनाना सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।